नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब केजरीवाल सरकार ने कोरोना के खिलाफ अपनी जंग तेज कर दी है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार में टीकाकरण की गति बढ़ाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में अब 24 घंटे टीकाकरण होगा। दिल्ली में वैक्सीनेशन गति बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार का ये सबसे बड़ा फैसला है। दिल्ली में अब 24 घंटे टीकाकरण होगा। मंगलवार 6 अप्रैल से दिल्ली सरकार के टीकाकरण केंद्रों में रोजाना एक तिहाई केंद्र रात के 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक भी खुले रहेंगे। यानी कि अब दिल्ली में 24 घंटे वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। गौरतलब है कि अभी तक सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ही टीके लगाए जा रहे थे। आपको बता दें, दिल्ली में पहले से ही कोरोना जाँच पर जोर देने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया गया है और हर रोज 80,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। दिल्ली में हर रोज देश से 5 गुना ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को पूरी दिल्ली के अंदर 86,899 टेस्ट किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली समेत देश भर में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को काबू में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि टीकाकरण केंद्र खोलने की शर्तों में छूट देने और टीकाकरण की उम्र सीमा की बाध्यता हटाई जाए। उन्होंने कहा कि देश भर में नए सिरे से कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने नई चिंता पैदा कर दी है, इसलिए हमें टीकाकरण अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। सीएम केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा कि अगर नए केंद्र खोलने के नियमों को सरल किया जाता है और सभी को टीका लगाने की इजाज़त दी जाती है, तो दिल्ली सरकार सभी दिल्ली वासियों को 3 महीने के अंदर ही टीका लगा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें हर कदम पर केंद्र का सहयोग मिला है। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इन बातों पर भी गौर करेंगे, ताकि कोरोना के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ी जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।